हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में अपने एगलेस स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको टर्न करके बता रही हूँ कि केक किस तरीके से बना है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है डेढ़ कप प्रीमिक्स। तो डेढ़ कप प्रीमिक्स है, ये मेरा बेकर्स का प्रीमिक्स है। मैं आपको इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने डेढ़ कप में डेढ़ चम्मच ही ऑयल डाला है। ऑयल विदाउट फ्लेवर होना चाहिए। अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा बैटर तैयार करेंगे। सॉफ्ट बैटर मतलब थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा सा गाढ़े के बीच की कंसिस्टेंसी मैं आपको बता दूंगी। तो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी का एसेंस डाल दिया है और यहाँ पर मैं अपनी केक टिन तैयार कर रही हूँ। इसे मैंने बटर पेपर से लगा के इसे ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर से हमारा केक नीचे से चिपकेगा नहीं। अब मैं यहाँ पे अपने बैटर को डाल रही हूँ। ये देखिए, हमारे बैटर काफ़ी रनिंग कंसिस्टेंसी का, इससे ज़्यादा अगर पतला होता है तो हमारे केक को बेक होने में बहुत टाइम लगेगा और ऊपर से उसमें क्रैक भी आ सकता है। केक को बेक करने से पहले इसे अच्छी तरीके से टैप कर लीजिएगा ताकि उसके अंदर अगर कोई एयर बबल हो तो वो एयर बबल निकल जाए और हमारे केक में कोई क्रैक ना आए। तो हमने इसको हाफ बनाया क्योंकि अभी इसको फूलने के लिए भी स्पेस चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं अपने केक को भगोने में बेक कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में माइक्रोवेव है बट वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता और इसमें मेरा केक बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा केक कितना अच्छा बना है। उसे हमने भगोने को हमने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था और यहाँ पर मेरा केक थोड़ा ठंडा हो चुका है तो मैं इसे यहाँ पर डीमोल्ड कर रही हूँ। तो आपका भी केक ठंडा हो उसके बाद ही डीमोल्ड कर लीजिए वरना उसे केक टूटने का खतरा रहता है। अब हम इसका पीछे से ये बटर पेपर निकालेंगे। देखिए, हमारा केक काफ़ी अच्छा बन के तैयार है। तो मैं काफ़ी सॉफ्ट बना है हमारा केक, ये देखिए है ना। अभी मैंने इसकी 3 लेयर्स कट कर लिए, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और केक काफ़ी सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं इसमें जाली कितनी अच्छी आई है ना। इससे बहुत अच्छी, इस क्या बोलते हैं, प्रीमिक्स से बहुत अच्छी जाली आती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है न्यूट्रल जेल। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब न्यूट्रल जेल ले रही हूँ जिसमें मैं रेड कलर मिक्स कर दूँगी और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाल दूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा होता है, क्योंकि हमें इससे ड्रिप्स बनानी है। अगर ये इसको गाढ़े ही रखेंगे तो ड्रिप्स अच्छी बनेंगी नहीं, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा पतला कर लिया है। और इसे मैंने एक ऐसी पन्नी का वो कोन बनाया था उसमें भर लिया। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब क्रीम। तो अब मैं इसे बीट कर लूँगी। अभी ये रूम टेम्परेचर पे है लेकिन ठंडा है ना। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाल दिया क्रीम में भी और हम अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। पहले हम इसको स्लो स्पीड में करेंगे, बाद में हम इसे फुल स्पीड में करेंगे। यहाँ पे इसमें हमारी क्रीम में अच्छे से पीक्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कटोरी में स्ट्रॉबेरी का क्रश, इसमें पानी डाल दिया है और इसे हम अपने केक को सोक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारा केक काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे मैं अपना नया टर्निंग टेबल बता रही हूँ जो मैं अभी खरीद के लाई हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है पहली लेयर को क्रीम लगा के ताकि हमारी लेयर इधर उधर ना जाए। और अब मैं इसे जो स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ में जो हमने पानी बनाया था उससे मैंने इसे सोक कर लिया है और बाद में मैंने इस पर क्रीम की एक लेयर रख दी है और उसके बाद में उसे हम थोड़ा सा इवन कर लेंगे। और यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का क्रश डाल रही हूँ। ये क्रश मैंने घर पे ही बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में हाल शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अब मैं दूसरी लेयर रख रही हूँ, इसको भी मैं सेम उसी तरह स्ट्रॉबेरी के पानी से जो है इसे सोक कर दूँगी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगा दिया है दूसरी लेयर क्रीम की, इसको भी इवन कर लेंगे। फिर इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी का क्रश डालेंगे और इस फिर हम उसके ऊपर अपनी तीसरी लेयर रखेंगे और यही प्रोसेस तीनों लेयर में लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने अपनी लास्ट लेयर भी रख दिया और उसको भी मैंने सोक कर दिया है ताकि हमारा केक काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अब मैं तीसरी लेयर को कर रही हूँ, क्रीम लगा रही हूँ। मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, आप फटाफट कीजिएगा अगर अपनी स्पीड हो तो। अब मैं यहाँ पर इसको चारों तरफ से क्रीम लगा के इसको मोटी मोटी लेयर लगाएँ ताकि जो बेस है वो हमारा दिखे नहीं, और इसे इवन कर लें। स्पैचुला से यहाँ पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने कार्ड यूज़ किया था, तो आपके पास में अगर कोई भी कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो या भी जो पत्ते खेलते हैं उस वो वाले जो कार्ड होते हैं उससे आप इसको अच्छे तरीके से इवन कर लीजिए जितना हो सके आपसे। इसका कोई इतना वो नहीं है, मैं तो नहीं कर पाती बहुत ज़्यादा इवन अभी क्योंकि मैं शुरुआती बेकर हूँ, न्यू बेकर हूँ अभी तो मैं अपने घर के लिए केक बनाती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने जो स्टार नोजल रोजेट वाला जो नोजल होता है उससे मैं बना रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ मैंने देखा ही नहीं, कैमरे के सामने मेरा हाथ आ गया और मैं फिर मैंने कुछ दिखाई नहीं पाई। तो यहाँ पे अब मैं उसी नोजल से नीचे बॉर्डर बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा केक बन गया है और मैं पता है ड्रिप्स बनाना भूल गई थी, तो अब मैं यहाँ पे लास्ट में ड्रिप्स बना रही हूँ। तो अच्छा है कि डिज़ाइन ऐसा है कि ड्रिप्स बन पा रही है, नहीं तो वो ड्रिप्स रख ही रह जाती। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटी कुछ बड़ी इस तरीके के ड्रिप्स बना रही हूँ। मेरे को बड़ी बड़ी ड्रिप्स मुझे नहीं चाहिए थी, ऐसी छोटी। और वाइट के ऊपर रेड कलर देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। और अब मैं फाइनली यहाँ पे अपनी स्ट्रॉबेरी से, फ्रेश स्ट्रॉबेरी से अपने केक को डेकोरेट कर रही हूँ। इवनली हम एक जैसा चारों तरफ अपने लगा देंगे। और इसके ऊपर मैंने लव लिख दिया था बाद में, वो भी मैं शूट करना भूल गई। और थोड़े से स्प्रिंकल चाली थे हार्ट शेप वाले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।